हेलो दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो कैसे आप ओपन करेंगे, आज के वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। विदिन 2 से 3 मिनट में आप अपने मोबाइल से सऊदी अरब का किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आता रहता है। तो दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे। हम यहां से आपको अल राजी बैंक का अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च में लिखेंगे अल राजी बैंक। अल राजी बैंक लिख करके दोस्तों जैसे आप यहां पे सर्च करेंगे तो आपके सामने अल राजी बैंक का एक एप्लीकेशन दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। अब उसके बाद हम डायरेक्ट फिर जाएंगे अपने मोबाइल में, ये एप्लीकेशन जो मैंने इंस्टॉल किया हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अल राजी बैंक का एप्लीकेशन आ चुका है। अब हम इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन कुछ ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे ओपन होते ही दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा न्यू अकाउंट करके, यानी कि न्यू अकाउंट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको करना होगा क्लिक। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से लॉगिन करेंगे या रजिस्टर्ड नाउ करेंगे। तो रजिस्टर्ड नाउ के नीचे आप न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको करना होगा क्लिक। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले बोलेगा आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए सऊदी अरब का। वही मोबाइल नंबर देना है दोस्तों जो आपके ऑफशोर अकाउंट से लिंक हो। तो मोबाइल नंबर, उसके नीचे आपको इकामा नंबर देना है, फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। तो मोबाइल नंबर, इकामा नंबर दे दिया मैंने, नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पे मैं कर रहा हूँ क्लिक। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले बटन पर कर देंगे क्लिक। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं OTP आ चुका है, मैं अलाउ कर दिया यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ से अपना प्रोफेशन को सेलेक्ट करना होगा। उसके नीचे आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद प्राइमरी सोर्स आपको बताना होगा कि आप सैलरी अकाउंट खोलना चाहते हैं या सेविंग, तो हम इसको सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं। उसके नीचे आपको सैलरी को यहाँ पे टाइप करना होगा, कितना मंथली में आप कमा लेते हैं, जो भी आपका बेसिक सैलरी है वो आप यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं, ज़्यादा भी आपके हिसाब से दे सकते हैं जो इंक्लूडिंग ओवर टाइम आता है। तो हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है दे दिया। उसके बाद प्रोफेशन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है सुपरवाइजर कर दिया। उसके नीचे हम अपना ईमेल आईडी दे दिया। ईमेल आईडी देने के बाद सारे डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे हमको करना होगा क्लिक। और दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये अफसर अकाउंट से सबमिट करने के लिए आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर अपना अफसर का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। जैसे अफसर का यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा अफसर की तरफ से। वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना होगा। आप लोग देख सकते हैं OTP आ चुका है, मैं फिल किया। फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको करना होगा क्लिक। दोस्तों जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके अकाउंट यहाँ से ओपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आपका नेशनल एड्रेस कैप्चर कर लेगा। अगर आपके पास नेशनल एड्रेस नहीं होगा तो पहले बना लीजिएगा। तो देख सकते हैं नेशनल एड्रेस आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेशनल एड्रेस लाजिम चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से बर्थ ऑफ प्लेस बता रहा है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ था वो अपना दे करके फिर आपको नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद आपके सामने दो सवाल आएगा कि आप US सिटीजन हैं। उसके नीचे बताएगा कि अगर आप सऊदी अरब के अलावा भी कहीं के सिटीजन हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे नो नो आ जाएगा, आप यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बनाने का बोलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉमन नंबर पे यूज़र आईडी है और पासवर्ड जो आप सेट करना चाहते हैं आप आसानी से यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए मैं अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेट कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले बटन पर फिर करेंगे क्लिक। दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक कुछ नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे बोलेगा कि आपको पिन बनाना है। तो जो भी आप पिन बनाना चाहते हैं अपना दिमाग से, जो पिन रखना चाहते हैं पिन डालिए। यहाँ पे दो बार डालना होगा। पिन डालने के बाद उसके बाद आपके सामने आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली अकाउंट आपका बन चुका है। आपका अकाउंट नंबर आ गया, आपका यूज़र आईडी, IBAN नंबर, कस्टमर नंबर, मेंबरशिप नंबर, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो दोस्तों देखा आपने, विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर ऐसे आप लोग भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा है कि आप अपना कार्ड को जा करके ATM मशीन जो होता है ना, वहाँ से ATM अपना प्रिंट निकाल भी सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको बताया कि आप अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ATM कैसे आप हासिल करेंगे, अपना ATM कार्ड कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।